पीएम विश्वकर्मा स्कीम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नए स्कीम को लॉन्च किया है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। पीएम विश्वकर्मा स्कीम ये चर्चा में आ गया है क्योंकि विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को मनाई जाती है, साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे भी यही होता है। उन्होंने इसी अवसर पर लॉन्च किया है, तो ये जो है के लिए एक इम्पॉर्टेंट होता है स्कीम के बारे में कही गई। देखा जाए तो वाई न्यूज की बात की जाए तो 13,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री सरकार का कहना है कि आर्टिस्ट कर रहे हैं उनका अपलिफ्टमेंट करेंगे, उनके जो है की जाएगी। स्कीम की मेन फोकस ये रखा गया है कि जो क्राफ्ट्स पीपल हैं उनको जो है टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए, उनका एक स्किल इम्प्रूवमेंट हो, एक वो फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी है मॉडर्न मार्केट को एक्सेस एनहांस एक्सेसिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। एक्चुअल में जो एक्सेसिबिलिटी होगी मार्केट की, उनकी स्किल प्रोडक्ट की अपनी क्वालिटी बढ़ानी होगी, उस सर्विस जो ऑफर कर रहे हैं ट्रेडिशनल आर्टिसन, अब उन्हें जो सरकार का कहना है कि डोमेस्टिक और ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ा जाएगा, एक उनको इंटीग्रेट किया जाएगा, और इसीलिए ये 13,000 करोड़ रुपये उन्हें दिए। अगर देखा जाए इस स्कीम के ऐप की एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्या है, स्किल अपग्रेडेशन, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि स्किल अपग्रेडेशन इसका मेन एम है, साथ ही साथ इन्हें कोलेट्रल फ्री क्रेडिट भी देना है, यानी जो ये लोन लेंगे सरकार एक्चुअल में हेल्प इनकी कैसे करेगी, सरकार इनको लोन देगी, ये लोन जो है कोलेट्रल फ्री होगा, इनको गाड़ी मोटर का कागज बैंक में नहीं जमा कर पाएगा, तो इनकी जो क्रेडिट मिल रही है उस पर जो है बर्डन कागजी कार्रवाई होती है। साथ ही साथ सरकार का कहना है इंटरेस्ट सबवेंशन के माध्यम से उनको जो है, यानी जो उनका इंटरेस्ट है उस सबवेंशन के माध्यम से घटा दिए जाएंगे, यानी जो पैसा होगा वो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री बियर करेगी। देखा जाए तो इनको जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन और ब्रांड प्रमोशन के लिए भी ये प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो इसमें जो ये कोई कौन सी एजेंसी होगी, कौन सी मिनिस्ट्री होगी जो इनको इंटरेस्ट सबवेंशन देगी, तो नोडल मिनिस्ट्री इसकी है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। यही मिनिस्ट्री जो है नोडल होने के साथ साथ जो भी लोन होगा उसमें जो इंटरेस्ट सबवेंशन की बात हो रही है यही मिनिस्ट्री प्रोवाइड करेंगी। 13,000 करोड़ रुपये इसी मिनिस्ट्री को मिलेंगे। फीचर की बात की जाए तो इसमें सेंट्रल सेक्टर, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कोई रुपया इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। कवरेज की बात की जाए तो इसमें 18 ट्रेड को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि देखा जाए तो कारपेंटर, सुथार, बोट मेकर, नाव बनाने वाले, आर्मर्स, ब्लैक स्मिथ लोहार, हैमर एंड टूल किट मेकर, ब्लॉक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ सुनार, पॉटर कुम्हार, कल्पचर मूर्तिकार, स्टोन ब्रेकर, कॉबलर, चर्मकार, टू स्मिथ, फुटवेयर आर्टिसंस, मेसन, राजमिस्त्री, बास्केट मैट, रूम मेकर, क्वायर बीवर को दिया जाएगा, डॉल एंड टॉय मेकर, ट्रेडिशन, यानी ट्रेडिशन का मतलब जो हाथ में कुछ प्रयोग करते हैं, कंप्लीट जो मशीनों पर निर्भर है उन्हें इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बार्बर, नाई, गार्लैंड मेकर, मालाकार, वाशरमैन धोबी, टेलर दर्जी, फिशिंग नेट मेकर, ये ऐसे 18 ट्रेड हैं जिन्हें इंक्लूड किया गया है इसमें जो सेंट्रल स्कीम। देखा जाए इसमें बेनिफिट कैसे दिया जाएगा, तो सरकार एक्चुअल में जो कोलेट्रल फ्री क्रेडिट देगी फर्स्ट ट्रेंच में 1,00,000 रुपये, सेकेंड ट्रेंच में 2,00,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे कंसेशनल इंटरेस्ट रेट। एक्चुअल में क्या है, ये क्रेडिट है, लोन है, सरकार इन्हें कोई ऐसे ही अमाउंट नहीं दे रही है, एक लोन के रूप में दिया जा रहा है, जहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज है जो इंटरेस्ट है वो 8% है, लेकिन जो 5% को लग रहा है जो भी इंटरेस्ट इनका 5% बनेगा यह मिनिस्ट्री से बियर करेगी वहन करेगी। इनमें देखा जाए तो ये इसका साथ ही साथ इनको फ्री रजिस्ट्रेशन रखा गया है, बायोमेट्रिक बेस पर पोर्टल पर होगा, वहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं भरनी होगी। तो एक और बेनिफिट है कि जो फिर लोग आर्टिसन से उन्हें पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट आई कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि उनके कार्यों को रिकॉग्निशन मिल सके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चूँकि सरकार 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, ऐसा तो नहीं है कि जो इतने 18 ट्रेड से रिलेटेड हैं उनको ऐसे ही दे दे, ऐसा तो नहीं संभव है, तो सरकार जो है इसमें क्राइटेरिया रखी है। जो बेनिफिशरी है वो जो है
वो वर्किंग हो, साथ साथ हैंड और टूल के माध्यम से काम करते हैं, पूरी तरीके से इनके सहायता से काम करते हो, और किसी 18 फैमिली बेस्ड ट्रेडिशन उसमें से एक में शामिल हो। दूसरा इसका बेनिफिट है कि बेनिफिट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया गया है एलिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक फैमिली से केवल एक ही मेम्बर को इसके मिनिमम एज की बात की जाए तो 18 साल इसकी मेजर रजिस्ट्रेशन है, उससे ज़्यादा कोई रजिस्ट्रेशन है। एक्सक्लूजन, तक हमने कहा कि जो सरकार कुछ रूल भी कर रखी है, उसके कारण है कि जो पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बेनिफिशरी है सर उन्हें बेनिफिट नहीं देंगे, क्योंकि कुछ अलग तरीके के बेनिफिट को मिल रहे हैं। नेक्स्ट की बात की जाए जो पीएम मुद्रा स्कीम है या पीएम स्वनिधि स्कीम है, जिसको कहते हैं इसी तरीके के कार्यों के लिए, उन्हें भी इस स्कीम में शामिल तो किया जाएगा, लेकिन जो पहले लोन ले रखे हैं उसको अगर पेमेंट कर रहे हैं, उनको लोन चाहिए तो पेमेंट करें, फिर इस स्कीम में वो आ सकते हैं। अब बात आई लोन देगा कौन, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस कौन है, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, NBFC जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियाँ हैं या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये लोग क्या करेंगे, लोन देंगे, कोलेटरल नहीं लेंगे, कोलेटरल की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार है। अगर देखा जाए तो ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं, थैंक्स फॉर, जय हिंद।